वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कर्टन हॉल जो मैंने अमेजोन से परचेस किया है सारे ही कर्टन जो है वो बजट फ्रेंडली है इनफैक्ट रेंटल फ्रेंडली भी हैं तो अगर आप रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है कलरफुल है आपके हर टाइप के थीम पर चल जाएगा तो मैंने ऐसी कैटेगरी चूज़ की है कि हर टाइप का एक कर्टन आपको मैं दिखा सकूँ और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये सारे ही परचेज मैंने खुद की है अमेजोन से ताकि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकूँ बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट थे आप लोगों के क्योंकि मैं बेडशीट हॉल शेयर करती हूं। In fact, अभी भी मैंने हाल Amazon का एक elastic किया है तो, अगर आपने चेक आउट नहीं किया, तो जरूर चेक कर लीजिएगा तो, तो बस देखिए मैं आ वीडियो ले तो फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से कर्टन है सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में तो वहां से आप खुद के लिए चेकआउट कर सकते हैं स्टार्टिंग प्राइस जो है कटन की देख सकते हैं टू इतने रुपीज तक का मैंने यहाँ पे सब कुछ पिकअप किया है ताकि ये बजट फ्रेंडली रह सके प्राइस नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है वैसे अभी Amazon पे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं फेस्टिवल के तो आप जरूर चेकआउट करिएगा अभी आपका फायदा हो जाएगा तो बस बहुत होगी बातचीत अब लेट नहीं करते फटाफट -फर्ट दिखाती हूँ मैं कौन कौन से कट सेल लेट स्टार्ट द वीडियो तो ये है सबसे पहला कटेन इसका जो मटेरियल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं इसका मेजरमेंट और ये कौन से मटेरियल का बना है वो सब स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे बाकी अगर आपको डिटेल में कुछ भी जानना हो तो आप चेक कर लीजिए अमेजॉन पेज वहाँ पे सेलर ने सारे ही दे दिए होते हैं एक्चुअली डिटेल्स वगैरह तो ये देखिए बहुत ही अच्छा वेलवेटी टच का ये है पहले मैं बता दूँ आपको तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है रिच लगता है और काफ़ी अच्छा है दिखने में मतलब अगर आपके थीम पर जा रहा हो अगर आपको ऐसा ब्लू थीम में जाना है तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रहेगा तो आप ऐसे ले सकते हो दो तीन जितना भी आपका मेजरमेंट हो वो आप देख लीजिएगा और लेंथ वगैरह क्या है विर्थ क्या है वो तो सब कुछ आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा तो ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है कलर की मैं बात करूँ तो काफी डार्क सा कलर है जैसा दिख रहा था मुझे अमेजोन पर बिल्कुल वैसा ही आया है तो ऐसा डार्क शेड का कटन रहेगा तो रूम में काफी अच्छा भी लगेगा दिखने में ऑम्बियंस और साथ साथ में एक और फायदा है कि सनलाइट से भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो पीछे साइड में देखिए ऐसा दिया हुआ है सेकंड जो कटन है उसका कलर देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत मेरे घर का जो कटन है वो वैसा ही कलर में है पर हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा मैं बोलूंगी कि ब्राइट है थोड़ा सा इसमें ग्लेज ज्यादा है मेरे में थोड़ा सा ग्लेज कम है पर आप लोगों को मेरे पर्दे का कलर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने कहा चलो एक बेज में भी रखते हैं ऑप्शन इन केस आपको बेज में जाना हो तो ये बेज में ही है पर थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि चमक इसमें ज्यादा है एकदम से फीका कलर नहीं है ये तो देखिए ऐसा कटन है इसमें भी देखिए रॉड डालने को जगह दी हुई है काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है ये अगेन मटेरियल कौन सी है और इसकी क्या साइज

साथ में आप मिक्स मैच कर सकते हो और इसमें एक चीज़ और अच्छी लग रही है इस कर्टन में देखिए इस तरीके से दिया हुआ है ताकि आपको इससे जब आप इसको बंद करते हो प्लेट की तरह से तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा सको तो ये भी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मेरे भी पर्दे में है पर मैंने अलग से स्टिच करवाया है टेलर को बोल के यहाँ आपको पहले से ही ये मिल जा रहा है तो ये भी अच्छी बात है टाई करने में आसानी हो जाएगी तो ये है नेक्स्ट कटन कलर आप देख ही सकते हैं ग्रे में है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने ट्राई किया है कि हर तरह के कलर और डिज़ाइन के पर्दे आपको दिखाऊँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपका क्या टेस्ट है सबसे अलग अलग टेस्ट होता है तो जो आपको अच्छा लगे जो आपके इंटीरियर पे जाए वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो तो पहले कलर देख लीजिए ग्रे में कलर है इसका ग्रे के साथ में यहां पे बने हुए हैं कुछ ट्री और बहुत ही अच्छा सा इंबॉस्ड है इसमें ट्री का डिजाइन काफी प्रीमियम अगेन ये फैब्रिक लग रहा है क्योंकि इसमें भी ग्लेज बहुत अच्छी आ रही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी अच्छी ग्लेज आ रही है फीका सा बिल्कुल नहीं लगता है कि प्लेन सा कर्टन है तो फीका लगेगा वैसा बिल्कुल नहीं है बाकी इसके साथ चाहे तो आप कुछ और कर्टन के कलर को मिक्स मैच कर सकते हैं शियर कर्टन वगैरह डाल सकते हैं वो बिल्कुल आपके ऊपर है मेरे हिसाब से इसमें अगर आप वाइट कलर का शेयर कटन लगाओगे तो साथ में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा पर ओवरऑल क्योंकि इसमें ट्री का इम्बॉस डिज़ाइन है तो इसको प्रीमियम लुक देती है अगेन मटेरियल और साइज़ वगैरह तो आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा लिंक मैंने आपको दे दिया है चेकआउट कर लीजिए काफ़ी सुंदर है दिखने में और काफ़ी अच्छा है वैसे मैंने सब सुंदर ही पसंद किए हैं और सबका क्वालिटी जब मुझे अच्छा लगा तो ही मैं शो कर रही हूँ वरना कुछ कटन्स थे जिनकी क्वालिटी मुझे नहीं अच्छी लगी थी उनको मैंने रिटर्न कर दिया है तो आप रेस एश्योर रही है कि बजट में बहुत ही अच्छे अच्छी पर्दे में पिक करके लाई हूं आपके लिए नेक्स्ट जो है वो देखिए कितना ब्राइट कलर तो ये कलर देख लीजिए किसे नहीं पसंद आएगा ये येल्लो कलर तो अगर आपको ब्राइट कलर रखना हो इंटीरियर आपका ब्राइट आपको अच्छा लगता हो तो फिर आप इसमें जा सकते हैं तो कलर बहुत ही प्यारा है साथ में देखिए यहाँ पे डिज़ाइन ऐसी बनी है ये वाली डिज़ाइन तो आजकल चलती ही चलती है इसको भी आप मिक्स मैच कर सकते हो वाइट कलर के शेयर कटन के साथ में तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये जो पर्दा है ये थोड़ा सा पतले क्वालिटी का है ये स्पेशली येलो वाला जितने भी मैंने आपको पहले दिखाए सभी काफ़ी हैवी थिक मटेरियल के थे तो वहां पर आपको सनलाइट आने का चांस नहीं है आराम से आप उसको डार्क भी कर सकते हो रूम को वैसा था पर ये वाला जो है ये थोड़ा सा इसमें से सनलाइट ज़रूर आएगी तो आप ध्यान से लगाइएगा किसी ऐसे वाले खिड़की पर मत लगाइएगा जहाँ से सनलाइट बहुत दोपहर को आती हो तो दिक्कत होगी पर अदरवाइज़ अगर आपको ब्राइट रखना हो रूम को तो फिर ये बहुत ही अच्छा है और दिखता तो सुंदर है ही पीछे चाहो तो आप अस्तर भी लगवा सकते हो अलग से टेलर को बोल के इनकेस आपको अगर डार्कआउट करना हो मतलब ब्लैकआउट कटन करना हो पर दिखने में बहुत सुंदर लगता है प्राइस के हिसाब से देखूँ सेट ऑफ टू में ये आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्राइट कलर नेक्स्ट जो कटन है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है थोड़ा सा मैंने अलग डिज़ाइन में लिया है कि इनकेस किसी को अगर नेट अच्छा लगता हो या प्रिंटेड अच्छा लगता हो इस तरीके का ऐसा वाला आपका इंटीरियर हो उसके लिए मैंने थोड़ा तो सा अलग वैरायटी भी रखी है ताकि सबको कुछ ना कुछ पसंद आए ही आए तो देखिए ऊपर के साइड में ऐसा जाली का नेट का, का काम किया हुआ है उसमें बने हुए हैं डिज़ाइन बहुत ही सोबर सिंपल सा ये पर्दा है काफ़ी सुंदर सा कलर है इसका शटल सा कलर आता है आपके इंटीरियर के साथ अच्छा जाएगा अगर आपका मैच करता है तो नीचे देखिए बिल्कुल प्लेन है इसमें भी एक तरह की चमक है ग्लेज है ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही फीका सा कटन है लगाने के बाद आपको आइडिया आएगा तो नेक्स्ट जो कटन है वो फ्लोरल पैटर्न में मैंने सिलेक्ट किया है वैसे पर्सनली मुझे फ्लोरल पैटर्न का कुछ भी ज्यादा पसंद नहीं आता इसलिए मेरे घर में नहीं है पर आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनको फ्लोरल पैटर्न अच्छा लगता होगा जिनके इंटीरियर थीम पर जाएगा तो उन लोगों के लिए मैंने ये एक फ्लोरल भी रखा है और कलर तो बहुत सुंदर है इसका देख लीजिए लाइट पिंक साथ में यहाँ पे मरूनिश का कलर है थोड़ा सा ग्रीन है और बहुत ही अच्छा सा अगेन इसमें भी ग्लेज आ रहा है और यहां पे रॉड डालने को भी रिंग्स दिए हुए हैं तो अगर फ्लोरल पैटर्न आपके घर के इंटीरियर पे जाता हो हो या आपको अच्छा लगता हो, तो फिर ये जरूर ये ज़रूर लगाइए इसका फ़ायदा है कि बड़े बड़े साइज़ का इसमें फ्लार बना हुआ है जिसकी वजह से रूम आपका काफ़ी बड़ा लगेगा इल्यूजन क्रिएट करते हैं बड़े प्रिंट्स कि रूम बड़ा है आपका यानी वो स्पेस बड़ा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है कि फ्लार है तो बहुत छोटे छोटे प्रिंट है कि घर आपका कुछ ज्यादा ही छोटा लगे वैसा नहीं होगा बड़े वाले प्रिंट्स वाले मैंने सिलेक्ट किए हैं सुंदर सा लगता है बेडरूम के लिए मैं बोलूंगी अच्छा लगेगा ये क्योंकि वैसा सा कलर है, पिंक सा, भी है तो काफी सुंदर ऑफ टू वाला फैशन में है तो यहाँ पे देखिए दो कलर का शेड आपको दिखेगा एक लाइट ग्रीन है और एक डार्क ग्रीन का यहाँ पे शेडिंग की गई है बहुत ही अच्छा सा लगेगा ये पर्दा मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप नया नया सोच रहे हैं आपके रूम को चेंज करने का इंटीरियर थोड़ा सा मेकओवर देने का तो आप ये कलर को कंसिडर करिए इसके साथ में आप वुड को कॉम्बाइन करिए वाइट को कॉम्बाइन करिए बेज को कॉम्बाइन करिए थोड़ा सा गोल्ड डालिए थोड़ा सा येल्लो डालिए ये बहुत ही सुंदर लगता है इंटीरियर पर यह ग्रीन कलर आँखों को भी ठंडक लगती है और काफ़ी अर्धी सा कलर है वास्तु के हिसाब से भी अच्छा रहता है काफ़ी डायरेक्शन में तो ओवरऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार ज़रूर चेकआउट करिए अगर पर्दे लेने का सोच रहे हैं तो ग्रीन में जाइए मेरा बस चले तो मैं भी ग्रीन पर्दे ज़रूर लगा लूं पर अब बना लिया है तो अब कौन ही उतना चेंज करे पर मुझे पता ली ग्रीन कलर के पर्दे बहुत ज्यादा इंटीरियर पे अच्छे लगते हैं तो ये देखिए ऐसी शेडिंग दी गई है अगेन यहाँ पे भी रॉड डालने को रिंग्स दिया गया है सेट ऑफ में ये पर्दा आता है रीजनेबल रेट है बाकी मेजरमेंट वगैरह आपने देख ही लिया होगा काफी इसमें चमक है ग्लेज अच्छी खासी है इसमें फीका नहीं लगता है दिखने में चलिए तो दिखाती हूँ आखिरी पर्दा लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा फेवरेट पैटर्न है इसलिए मैंने उसको लास्ट के लिए बचा के रखा है कौन सा है देखना है चलिए दिखाती हूँ तो जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा क्यों मैंने कहा मेरा फेवरेट पैटर्न है ये तो देखिए ये शेवरॉन पैटर्न में बहुत ही सुंदर सा पर्दा है ये तो कंटेम्प्रेरी थीम में अगर आपको जाना हो थोड़ा सा मॉडर्न थीम में आपको जाना हो या किड्स रूम वगैरह हो आपका स्टडी रूम वगैरह हो या लिविंग डाइनिंग में भी अच्छा लगेगा सभी जगह चल जाएगा ये पर्दा बहुत 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 खूबसूरत दिखता है क्वालिटी अच्छी है इसकी इसमें भी रिंग्स दिए हुए हैं आपको रॉड डालने के लिए बहुत ही प्यारा प्रिंट है बिल्कुल भी फीका प्रिंट नहीं है इसमें भी क्लेस है सारे पर्दों में अच्छी चमक आ जाती है और काफी अच्छी इसकी लेंथ है प्राइस भी कम है आप आराम से इसको सेट ऑफ टू में लीजिए मेरा खुद ही मन कर रहा है कि मैं किसी एक रूम में काश लगाती तो यही कुछ पर्दे थे मैं आशा करती हूँ आपको कलेक्शन अच्छा लगा हो और जो लोग मुझे इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सोना एक बजट फ्रेंडली कट एन हॉल करो तो देखिए मैं आपके लिए चुन करके लाई हूँ और बहुत ही खुश हूँ मैं ये सारे कलेक्शन से जो नहीं अच्छे लगे थे इनको मैंने वापस कर दिया ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट रखा मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा वहाँ से आप खुद के लिए चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन से परचेस करिए बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं फायदा उठाइए और अपने घर को इस दिवाली में एक नया मेकओवर दीजिए तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूं आशा करती हूं आपको पसंद आया हो मैं मिलूंगी आपसे अगली बार तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए बाय।